अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं खस्सी के बट बनाने वाली हूँ। उसकी इस रेसिपी के कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये खस्सी का बट, ये इस तरह नहीं मिलता है। इसे लाकर अच्छा से साफ़ कर इस तरीक़े से देखिए धो लिए, एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया, कुछ भी गंदगी नहीं है इसमें। और धोने के बाद एक टप में या कुछ बर्तन में ये पानी में पूरा डुबा कर इसमें थोड़ा सा दो ढक्कन विनीगर डाल दिए थे। विनीगर डालने से इसमें जो स्मेल होता है, गंदगी होता है, वो सब निकल जाती है। उससे अच्छा से धुलाई हो जाता है, साफ़ हो जाता है ना। एक केजी बट है, 500 ग्राम प्याज है, और फक्की मसाला एक चम्मच, हल्दी फक्की एक चम्मच, लाल मिर्चे का फक्की आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्चे का फक्की एक चम्मच, जीरा का फक्की एक चम्मच भर कर, धनिया का फक्की एक चम्मच, छोटा चम्मच की काली मिर्च की फक्की, और 3 चम्मच छोटे चम्मच की अदरक लहसुन की पेस्ट, 200 ग्राम तेल, नमक स्वाद अनुसार, हरी धनिया, हरी मिर्च। सबसे पहले कुकर में मुझे बट डालना है। इसी में हमको सब कुछ डालना है। देखिए ये तेल, देखिए अब पूरा प्याज इसमें ही डाल देना है। नमक, अदरक लहसुन की पेस्ट, ये पूरा फक्की मसाला इसमें ही डाल देना है। देखिए इसी में मुझे सब कुछ डाल देना है, इसमें और कुछ भी नहीं पड़ेगा। फिर जब ये थोड़ा उबाल आएगी इसमें, उसके बाद मैं इसमें सीटी लगाऊंगी। मुझे देखना है इसमें कितना पानी छूटा, फिर कितना पानी देना है, उसी हिसाब से इसमें सीटी लगाऊंगी। ये देखिए इसी तरीका से मैंने बंद कर थोड़ी देर छोड़ दिया था। देखिए कितनी पानी इसमें छूट गई है। अब आप अपने हिसाब से इसमें पानी देना, क्योंकि बट तो थोड़ी गलती है, गलने के लिए कुछ तो पानी देना पड़ेगा ना। अगर बट गलेगी नहीं तो अच्छी भी नहीं लगेगी। ये बट जल्दी गल जाती है, मगर फिर भी थोड़ा देना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा पानी और पड़ेगा। ये देखिए इसमें बस मैं इतना ही पानी दे रही हूँ, क्योंकि जब बट में उबाल आती है ना, तो ढक्कन के ऊपर से वो फेंकता है मसाला, इसलिए मैं अभी कम दे रही हूँ। बस इसी तरीक़ा से इसे ढककर कम से कम आधे घंटे तो ज़रूर रखना है कुकर में। आधे घंटे बाद खोलकर मैं इसे देखूँगी। बट में आधा घंटा ही लगता है। अगर ज़्यादा नरम हुआ तो कम से कम 25 से 30 मिनट। अगर बट जल्दी गल जाए तो कम से कम 25 मिनट तो रखना ही पड़ता है। आधे घंटे अगर नहीं भी रखेंगे तो 25 मिनट तो एकदम रखना ही पड़ेगा। 25 मिनट बाद मैं फिर खोल कर देखूँगी। ये देखिए आधा घंटा मैंने इसी तरीका कुकर में गलाया, और गलाने के बाद आधा घंटा इसे छोड़ दिया, गैस को बंद कर दिया। अब देखिए ये देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया, और जितना पानी हमने दिया था उतना ही पानी में हमारा बट गल गया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये देखिए कितनी अच्छी से गल गई मटर। अब इसे सिर्फ भूनना है खूब अच्छी तरीक़ा से। ये देखिए अभी मैं 5 मिनट से इसी तरह भून रही हूँ। इसमें जितना अच्छा भुनिएगा उतना अच्छा टेस्ट आएगी। इसमें मैं गरम मसाला का फक्की डाल रही हूँ। ये देखिए भुनते भुनते कितना अच्छा कलर आ रहा है। बट तो बहुत तरीका का बनता है और बहुत अलग अलग जैसा बनता है, लेकिन इस तरीका से एक मरतबा ज़रूर बना कर देखना। बहुत टेस्ट, बहुत लजीज और बहुत मज़े की बनती है। कम मसाला में बनती है और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं लगती है। ये देखिए ये वो फक्की है जो जिस वक्त मैंने सामान दिखाया था ये फक्की नहीं दिखाया था, अभी दिखा रही हूँ। ये धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च तीनों मिलाकर हल्का तवा पर गरम कर दिए और गरम कर इसका फक्की बना लिए। इसे अब दूंगी। इसे देने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट का बहुत लजीज लगती है। अब मैं इसमें दूंगी हरी धनिया। आई 4 से 5 हरी मिर्च इसमें दे देने से अच्छी टेस्ट आती है। अगर कोई तीखा ज़्यादा खाता हो तो ये हरी मिर्च के साथ खा सकता है। इसे 5 मिनट और भूनूंगी, बस रेडी हो जाएगी। ये देखिए सब फक्की मसाला डालकर, हरी धनिया मिर्चा डालकर इसी तरह 2-3 मिनट मैंने भूना। देख रहे हैं अच्छी तरीके से ये भून गया है। अब इसमें चाहे तो आप थोड़ी ग्रेवी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए पूरी रेडी हो चुकी है। ये खस्ती के बर्ड बहुत मज़े की बनती है। ये देख रहे हैं इसका कलर, ये पूरा गल गया। बेसी वक्त और टाइम भी इसमें नहीं लगता है गलने में। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए पूरा बिल्कुल रेडी हो गया है। जैसा बकरा ईद आने वाली है उसमें आप बनाकर खा सकती हैं। बहुत अच्छी बनती है, बहुत जल्दी और बहुत कम तेल मसाला में बन जाती है। दार सी रेसिपी हमारी रेडी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना। इसे बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।